लोकसभा चुनाव के चलते सीएम कमलनाथ के दौरे प्रदेश भर में चल रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीएम कमलनाथ रायसेन जिले के बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। साथ ही इस दौरान कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 15 साल की शिवराज सरकार के कार्यकाल को सबसे भ्रष्ट बताया, वहीं नरेंद्र मोदी पर भी जमकर प्रहार किया। सीएम कमलनाथ ने कहा कि मोदी कहते थे कि गंगा साफ करूंगा, गंगा तो साफ नहीं हुई पर बैंक जरूर साफ हो गए हैं।